भाई बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, आज ईद का दिन, जो बच्चे घर पे बैठे और जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं अंकल हालपुर शो में, वेलकम। आप ये ना समझे कि मैं अकेला आया हुआ हूँ, मानूर भी इधर ही आगे पीछे, जरा समझा करें, ईदी शीदी इकट्ठी हो रही है हम सब के लिए। आइए बेटा हम सब लोग मिलके वेलकम करते हैं मानूर को। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे आप सब लोग? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। माधुर बेटा आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और हमारे पीछे आपके सामने बैठे हुए हैं अंकल चक्री और उनके साथ बिजली, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ईद का दिन ढेर ढेर आपको मुबारक हो। खैर मुबारक है ना, मगर रागले अख्तर था मुबारक शाह पश्चिम हम कहते हैं। लेकिन अंकल हालपुर ये देखना, केटू वालों ने हमें अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मनाने दी। अरे चक्री, ये जो केटू है ये हमारा घर है, हम सब एक साथ है, एक साथ मिलके ईद मना रहे हैं। केटू की आज 12वीं सालगिरह भी चल रही है, अभी तक उसकी भी सारी ख्वाहिश खूब चल रही है, मजे मजे की खुशियां, तालियां बजा के। बिल्कुल दोस्तों, मेरी जानिब से अंकल हालपुर की पूरी टीम और केटू की जानिब से आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और दोस्तों आई होप आप सबका ईद का दिन भी बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। कल का शो आपने देखा, हमने बहुत एंजॉय किया, दोस्त हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, तो हमें इन दोस्तों से बात भी करनी है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपनी जरा बिजली की तरफ। किधर हैं आज, कैसे कपड़े पहने, क्या कर रही हैं? मैं बिजली, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मानू, आप ठीक हो? आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे चल रही है ईद? बहुत अच्छी मेरी तो जा रही है ईद, और इतनी अच्छी जा रही है, मैं इतनी खुश हूँ। और सिर्फ ये जो मेरे साथ बिठाया तो हर टाइम ना ये तो गिले करता रहता है, इसको कोई अपना नजर नहीं आता, इसका बस अपना लगता है, जहाँ खाना हो ये कहता है बस वहाँ टूट पड़ो। बस ये टूटा फूटा सा चक्री है, क्या करे। ईद के दिन आपको पता है बंदा खाता पीता है, ईद वाले दिन भी ना खाए तो फिर क्या फायदा हुआ ईद का, है ना। अच्छा मानूर, आपको एक बार मैं आपको बात बताऊँ, बेटा थोड़ा पीछे हट के खड़ी हो, ये तुम्हारी ईदी पे इसकी नजर है चाचा? नहीं नहीं, नजर नहीं है अंकल लालपुर को। आपको पता है ईद वाले दिन लोगों ने इसको बहुत इसकी पिटाई की है। एक बंदा ईद नमाज पढ़ने के लिए गया तो वो वापस आ रहा था, अंकल लालपुर उसे देख रहा था, कह लगा भाई क्या वजह, क्यों वापस जा रहे हो? कह लगा भाई रश बहुत है, जगह नहीं है। अंकल लालपुर उसे कहते हैं मुझे 500 रुपए दो, मैं अगली साफ में जगह ले देता हूँ। ये देखो अपनी बातें तो लगा रहा है। अच्छा भाई बेटा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चक्री के चक्कर कभी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमें इनसे बात करनी है। माइक किधर है? ये हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, ये सिद्दीकी फैमिली हैं, ये हमारे साथ पहले भी आए थे, मुझे अभी तक याद हैं, ये भी और इनकी सिस्टर भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और आपके भैया बहन सब ठीक है जी? मानूर बेटा अच्छा। अगर आप ठीक नहीं है तो ये ठीक भी कर देते हैं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कि ईद कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। तालियां बजा दें भाई, और अपना प्यारा सा पूरा नाम भी बता दें। मेरा नाम मोहम्मद उमर सिद्दीकी है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, वाओ, वेलकम टू अंकल हालपुर शो। मानूर जी, इनको सिद्दीकी ब्रादरान को सियत के मुताबिक ईद ही मिलती होगी, है ना? हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। बस अब आप इनके पीछे पीछे ना जाना। माशाल्लाह बोलो बेटा, माशाल्लाह, अल्लाह सबको सेहत जिंदगी दे भाई। तालियां बजा के इनको वेलकम करेंगे तो अंकल हालपुर शो। उमर ये बताएं कि क्या लेके आए हैं हमारे लिए, क्या सुनाएंगे, क्या बताएंगे? मुझे लगता है आज आप हमारे लिए ईद के लिए कुछ स्पेशल स्पेशल लेके आए हैं जी। चले फिर जल्दी से सुना दें। अच्छा आपको मीठे में क्या पसंद है बेटा, ये बताएं। आइसक्रीम खाते हैं, क्या खाते हैं? खोरमा। देखा बेटा मानूर, इनसे खाने पीने की बातें करो, तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे भी बहुत पसंद है शीर खोरमा। अच्छा, आगे माइक दो बेटा, आगे आगे अपनी दोस्त से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जारा। जारा, जारा के लिए क्लैपिंग करें। वेलकम टू अंकल हालपुर शो जारा। जारा अच्छा आपकी ईद कैसी चल रही है जारा? अच्छी। अच्छी चल रही है, कितनी ईद इकट्ठी हुई? बहुत सारी, थोड़ी सी 500। और चाचा चक्री की तरफ से प्रोग्राम खत्म होने पे 500 रुपए और मिलेंगे आपको चाचा चक्री के लिए, तालियां। अच्छा जारा ये बताएं कि आपने ईद में क्या क्या खाया? शीर कोरमा। अच्छा वाह भाई, भाई मानो अच्छा। बेटा वो जो बच्ची जिन्होंने ताज पहना हुआ है, जरा उनको माइक पकड़ा है, बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए। ये ताज वाली बच्ची का नाम क्या है इनका, और कुछ कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? ईमान अख्तर। ईमान, ईमान कौन सी क्लास में है? ईमान मैं 6th क्लास में। 6th क्लास में हूं, और बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू।
आपको पता है मानुर बेटा आज ईमान की बर्थडे भी है। हम मिलके फिर गाना गाएंगे ना। हम तो विश करेंगे शामिल अंकल जरा म्यूजिक पे जाके। हैप्पी बर्थडे डियर ईमान, हैप्पी बर्थडे मानुर। कल केटू की सालगिरह थी और केटू हुआ है 12 सालों का। ये आज इनकी सालगिरह, ये 13 सालों की हो गई है। कितने साल की है बेटा? 12। ये भी 12 इयर्स की है। वाह भाई बहुत सारी तालियां। केटू और आप दोनों साथ साथ बराबर बराबर चल रहे हैं, मजा आया। अच्छा ये बताएं कि आपकी बर्थडे पे आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए अपने मामा बाबा से? अभी बता दे ताकि सब सुन ले और वो आपके लिए लेके रख ले। मामा ने मुझे दे दी है। वाओ, लेकिन हम भी आपको मानू बेटा, हमारे स्पॉन्सर्स बड़े तगड़े हैं, बड़े जबरदस्त हैं। हमें फौजी भाई, फौजी बनस्पति ने हमें गिफ्ट जो दिया है वो हम वो गिफ्ट देंगे आज बच्ची को इनकी बर्थडे पे। और बाबा ने क्या दिया? बाबा देंगे, वो सरप्राइज है। लेकिन हम आपको अपना गिफ्ट दे देते हैं। ये जरा तालियां बजा के, ये फौजी वाला पहले हम देंगे। फौजी वाला बड़ा ओके, पहले फौजी वाला दे। फौजी बनस्पति, फौजी बनस्पति को एंड कुकिंग ऑयल, ये हमारी तरफ से आपके लिए। वेलकम टू अंकल अल्बुल शो। आगे बढ़ते हैं और अपने एक और दोस्त से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, अयान को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा अयान ये बताएं कि ईद कैसी जा रही है? अच्छी। अच्छी जा रही है। अच्छा कितनी सारी ईदी इकट्ठी कर ली? बहुत सारी। बहुत सारी गिनी नहीं है अभी? ठीक है कोई बात नहीं, खत्म हो जाए एक दफा ईद फिर गिनेंगे हम दोनों। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या लाए हो? गिनने में मुश्किल हो तो ये चक्री चाचा को दे रहा, वो गिन के बता देंगे आपको। अच्छा हमारे लिए क्या लेके आए हो आज? आयतल कुर्सी। सुभान अल्लाह। सुनाएं। बिस्मिल्लाह। औजु बिललाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनातुन व ला नौम। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه، له ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جزاك الله. جزاك الله. थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तिलावत की। मामिया की तरफ से तालियां बजा के। गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास मामिया की तरफ से। और बात करते हैं अपने एक और फ्रेंड से, सिद्दीकी ब्रदर, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी। अब्दुल्ला सिद्दीकी, मुझे तो दोनों ट्विंस लगते हैं। ट्विंस ही आप दोनों? ट्विंस। माशाल्लाह, वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। अच्छा आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? ईद की अहमियत। ईद की अहमियत। ईद की अहमियत, भाई पहले क्लैपिंग करें अपने। क्या चक्री, आपने गौर से सुनना है ईद की अहमियत के बारे में। ईद हमें खाली खुद नहीं ईद मनानी होती, जरूरतमंदों को फितराना देना होता है और पड़ोसियों को जरूरत का सामान देना होता है। उनके पास कुछ मीठा ना हो तो हम उन्हें बांट सकते हैं और फिर मिलके हमें ईद मनानी चाहिए। क्या बात, बहुत अच्छा। पकड़ेंगे हम इन तीनों बहन भाइयों के लिए पहले गिफ्ट लेके आते हैं। मामिया कभी, वाह भाई वाह। मामिया है हमारे पास, फौजी है, फौजी बनस्पति ये एक और मामिया है। और आपको याद है बाल बेटा, हमारे एक और बड़े स्पॉन्सर हैं। जी बिल्कुल, वो भी मुझे चेरी गोल्ड पैंपर्स वाले। थैंक यू बेटा, तालियां बजाए सबको मिलेगा ये आपके लिए। तालियां बजाने से बेटा खुशियों में शामिल होते हैं सबकी। शाबाश मानो, इस सदीकी ब्रादरान ने बहुत अच्छी बात की है और इन्होंने कहा देखे ईद से पहले आप फितराना अदा करें। अंकल लालपुर आप आके मेरे से ले जाए फितराना। बिल्कुल 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 बेटा, सही कह रहे हैं आप जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम अब बात करेंगे अपने और दोस्तों से। हमारे दोस्त बहुत अच्छी अच्छी चीजें रेडी करके लेके आए हैं, हमें उनसे वो चीजें पूछनी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया, ईद मुबारक। वेलकम टू अंकल हाउस शो। अनाया, अनाया की ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अच्छा अनाया की ईद इकट्ठी हुई? जी नहीं सारी। हाँ जी। अच्छा अनाया बताएंगी कि अनाया को क्या पसंद है खाने में? खाने में मुझे
सारा सब कुछ खा लेती हूँ। अच्छा आगे बैठे जैसी हो, सब कुछ खा जाती है, लोगों के पैसे भी खा जाती हो। अच्छा आप क्या शेयर करेंगी, कोई पोएम, कोई राइम? पोएम। पोएम? वाओ तालियां भाई। बेस्ट ऑफ लक। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर थ्री बैग फुल, वन फॉर द मास्टर, वन फॉर द डेम, एंड वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्ड डाउन द लेन। अच्छा भाई बालू बेटा, हम इनको भी गिफ्ट देंगे मामिया का, और मामिया डायपर्स का गिफ्ट, तालियां बजा के। अच्छा बालू बेटा, एक बच्ची आई हुई है, उन्होंने रमजान के हवाले से भी एक बड़ी अच्छी तैयार की हुई है पोएम। अच्छा, वो कौन है? छोटू आगे बैठी हुई है, जिनकी बर्थडे उनके साथ। अच्छा माइक दे दो बेटा, बाप ने देखना गिफ्ट में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूं। बहुत ही ज्यादा अच्छा। बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी है? ठीक। नाम क्या है आपका? फातिमा नूर। फातिमा नूर के लिए तालियां। वेलकम टू अंकल हालपुर शो। अच्छा फातिमा, आपको कितनी ईदी मिली, कितनी ईदी इकट्ठी की आपने? 500 रुपए दिखा रही थी मुझे। 500 रुपए? वाह भाई। अच्छा ये बताएं कि हमारे लिए क्या लेके आई हैं अंकल हालपुर, कुछ बता रहे हैं कि आप कुछ पोएम वगैरह लाई हैं। चले ये चाचा चक्री वाली बातें सारी, अगले साल अगले साल इन दोनों बच्चों को भी गिफ्ट देंगे भाई, शाबाश। हमारे पास गिफ्ट है, तालियां बजा के फौजी बृहस्पति एंड कुकिंग ऑयल्स की तरफ से आपको सबको ईद मुबारक। एक हमारी दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी है? अच्छी। बहुत अच्छी? अच्छी क्या, बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अच्छा कितनी सारी ईद इकट्ठी कर ली? बहुत सारी। बहुत सारी? नहीं बेटा, वो बताएं जो आपको मिली है, जो बच्चों से छीनी है वो नहीं। क्या शेयर करेंगी, कोई पोएम, कोई सॉन्ग, कोई मजे की बात? पोएम। वाह तालियां। भाई जल्दी सुना, अंकल हालपुर ने जरा जाना है बाहर, एक काम है बड़ा जरूरी। पैसे कुछ जमा, कहीं से ईदी आ रही थी, लेके आओ जरा। ओके सुनाएं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। हेलो पी यू आर एस टी यू डी डब्ल्यू। वाह भाई वाह, देखा आपने? ये बच्चे मानो बेटा, बच्चे मजाक मजाक में ना हमारे चार चक्री को पढ़ा भी रहे, एबीसी वगैरह सब क्या करे। आपके लिए भी हमारे पास है बहुत ही प्यारा सा मामा मियां का गिफ्ट। वो जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा भाई मानो, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं जरा वो एक मेहमान आए हुए हैं, उधर कुछ उनसे मिलके भी आता हूँ। आई एम कमिंग। हां बेटा, कहीं नहीं जाना, यही हमें भी आते हैं, मैं अभी आ रहा हूं इधर में। जी मानो बेटा, ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, हम ऐसे गए और ऐसे आए। नथिंग। वेलकम टू बैक। देखे आपका बहुत शुक्रिया, आप केटू देख रहे हैं और सवैयों के मजे भी खा रहे हैं और मजे ले भी रहे हैं। मेरे साथ मानूर बैठे हुए, सॉरी मानूर मैं वापस आ गया। चाचा चिकरी, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो ना बोला करो, वेलकम टू बैग नहीं होता, वेलकम बैग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो मुझे क्या पता, बिजली भी मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। अच्छा आराम से रहो, मैंने बहुत तालीम हासिल की है बिजली, आपको अच्छा, पता बस, है बस, अब लड़ना नहीं है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, हमें अपने और दोस्तों से बात करनी है, अभी हम बात करेंगे इनसे। आ जाए
इन्होंने हमारे लिए बहुत ही प्यारी से पोएम रेडी की है, यू नो पीपल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये हमें करके दिखाएंगे एक्शंस के साथ। वाओ जी वाओ। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, सोचे समझे देखे पाले इनको ना भूले, पहला मुहर्रम दूसरा सफर, पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन दोनों के पीछे पीछे, इन दोनों के पीछे पीछे, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, जमादुल अव्वल जमादुल सानी, जमादुल अव्वल जमादुल सानी, बाकी छे ये तरतीब, बाकी छे ये तरतीब, रजब शबान रमजान शवाल ज़िलक़द ज़िलहज। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने राइम पढ़ी, थैंक यू सो मच। आप बैठे, तो दोस्तों हमारी ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इससे पहले किस किस को मैजिक देखना है, तालियों से बताएंगे भाई। तो दोस्तों देखते हैं मैजिक, और मैजिक के लिए बुलाते हैं हमारे वर्ल्ड फेमस अंकल अब्बास नन्ना को। बहुत अच्छे भी। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और इन बच्चों को भी, जो लोग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर ढेर ईद की खुशियां मुबारक। लेकिन देखो प्यारे बच्चों, जब मैं आया यहाँ सवैयों के बजाय केक रखे हुए थे, मैंने पूछा ये क्या वजह, कहने लगे भाई केटू 12 सालों का हो गया। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मानूर मेरा हम उम्र हो गया है ना, मैं भी 12 सालों का हो गया। बच्चों मैजिक शो देखेंगे, फिर मुझे तालियां बजा कर बताएंगे, तो फिर मैं करेंगे, ठीक है? चले बाबू, चलो जी, लेट्स गो फॉर इट। ओके ओके ओके, फोकस करें, हमें पकड़ना है इनका मैजिक। Okay.
आप लोग खामोश रहेंगे तो आपको मजा आएगा। ओके 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 ठीक है। ओ ओ ठीक है। ओ क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। बस नना हमें आपका मैजिक बहुत ही अच्छा लगा। किस किस ने एंजॉय किया क्लैपिंग करके बताएंगे यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और आपका भी शुक्रिया, केटी टीवी का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद वाले दिन मुझे याद किया और फिर से मैं एक दफा जाते जाते तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने मैजिक देखा और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था हम सब ने, आई होप आपने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और हमें बहुत मज़ा आया। और अब हमें बढ़ना है आगे और बात करनी है अपने कुछ और दोस्तों से, है ना। कौन बात करना चाहेगा? हम बात करते हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया, अनाया ने परफॉर्म भी किया था कल, है ना। अच्छा वाओ। अनाया ये बताएं कि ईद कैसी गुजर गई? अच्छी गुजरी है। वाह, क्या खाया था सुबह ईद में? शीर कोरमा खाया था या फिर सेवइयां खाई थी? शीर कोरमा खाया था। पसंद है? पसंद है। अच्छा ये बताएं कि हमारे साथ क्या शेयर करने वाली हैं, कोई पोएम, राइम, स्टोरी? जरूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। जज़ाकअल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और ये आप दोनों के लिए मामा मियाँ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स, थैंक यू। दोस्तों से इनसे बात करेंगे। पिंक पिंक, आपने इतनी प्यारी प्यारी ये कहाँ से लाई हैं? ये प्यारी प्यारी जो आपने बालों में लगाई हुई हैं पिन, कौन लेके आया? मां। आपका नाम क्या है? एमन। कैसी हैं आप? ठीक हूं। ईद मुबारक। है मुबारक। अच्छा ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी है? अच्छी। बहुत अच्छी गुजरी है, थैंक यू। अच्छा आपको देते हैं प्यारा सा गिफ्ट, हमारे पास है मामा मियाँ की तरफ से आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट, यू वेलकम। अच्छा इनसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस मुगल। अवैस, अवैस ये बताएं कि क्या लेके आए हैं हमारे लिए आज? कोई पोएम सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे, ट्विंकल ट्विंकल सुनाएंगे? अच्छा ये बताएं खाने में क्या पसंद है? कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा ये बताएं कौन सी क्लास में आप? हिफ्ज़। हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह, वाओ जी। तो दोस्तों हमें बुलाना है एक अपनी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड को
जो कि बहुत अच्छा गाती हैं, परफॉर्म करती हैं। मेरे साथ मेरी अच्छी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं वो, और मुझे हमेशा से उनको बुलाने के लिए राय कि मैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाऊं। व्हेन वी वर डूइंग शो, हमारा बहुत ही ज़्यादा बिगनिंग था उस वक्त, हमने उन्हें बुलाया था और उन्होंने आई, हमें उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। एंड कौन कौन एक्साइटेड है सुनने के लिए, तालियों से बताएंगे यार। तो आए वेलकम करते हैं सोनिया अजीज को। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है, ईद कैसी गुजर रही है? काफी अच्छी, आपकी? बहुत अच्छी। कितनी ईद इकट्ठी हो गई? यार अभी ईद के बाद काउंट करूंगी। मैं भी। अच्छा ये बताएं कि इतने प्यारे कपड़े कहाँ से लिए? यार पता नहीं, मम्मा लाई थी। मम्मा लाई थी? क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं शॉपिंग वगैरह का ना, इस वजह से। ओह इट्स ओके, थोड़ा सा आगे आते हैं। ओके ये बताएं कि क्या लेके आई हैं आज हमारे लिए? आई एम सो एक्साइटेड, आई वाज लाइक लास्ट नाइट आई वाज लाइक सोनिया आएगी, क्या गाएगी, कैसा गाएगी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। यार एक पुराना सॉन्ग है, तुम्हें कैसे बता दूं वो। वाओ, गो फॉर इट, गुड लक। जी जी, नहीं आप जितना अच्छा नहीं गा सकती। देखे मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ना गाने के लिए, वहाँ बैजा बैजा करा देता हूँ। एक जगह मैं गा रहा था, लोगों ने कहा बैजा बैजा बैजा, और मैं फिर बैठ ही गया। मैंने कहा चलो छोड़ो, आपने उसको ना ज्यादा दिमाग पे सवार नहीं करना, आप अपना गाना गाएं। अगर आप मैं कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, कोई देखे ये तन्हाई बेचैनी ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। मुझे इस हाल में देखा तो होंठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होंठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संदिल हो, बड़े संदिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें क्या बात है सोनिया, बहुत ही अच्छा आपने गाया, दोस्तों वो स्मूथ सा, एंड आई लव इट, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। कब से गा रही हैं आप? आई थिंक जब मैं सिक्स में थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। सिक्स ग्रेड में थी? जी सिक्स ग्रेड। वाओ, अभी तो आप मेडिकल कर रही हैं आई थिंक? जी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। वाओ, मे लव ब्लेस यू मोर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमें बढ़ना एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, हम ऐसे गए और ऐसे आए।
फ्रेंड्स आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक और आई होप आप लोग ईद का तीसरा दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं ना, क्लैपिंग करके बताएंगे यार। अब बात करते हैं अपने प्यारे प्यारे कुछ दोस्तों से कि वो हमारे लिए क्या लेके आए और उनकी ईद कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? आयोना। आयोना, आयोना के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए यार। आयोना क्या लेके आई है हमारे लिए आज? पोएम। पोएम लेके आई है, चलें फिर गो फॉर इट। Rain, rain, go away. Come gather another day. Little baby wants to play. Rain, rain, go away. Thank you, Ayona. Ayona के लिए हमारे पास gift भी है। ये मामा मिया की तरफ से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा gift. Thank you, Ayona. आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी हमारी दोस्त हैं, जो आज पिंकी पिंकी बन के आई हैं। क्या नाम है आपका? याना। आलियाना, ईद मुबारक। ईद, अच्छा ये बताएं कि कैसी चल रही है ईद? अच्छी। अच्छी चल रही है भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए थी प्यारी सी बेटी के लिए। तो दोस्तों अब हमें बुलाना है अपने प्यारे से अंकल नईम तालपुर को, तो आए मिलके इनवाइट करते हैं अंकल नईम तालपुर को। बच्चों आप लोग को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे आप लोग? ठीक है, खैरियत से? शामिल भाई आपको बहुत ईद मुबारक। भाई चाचा चकरी कैसे चक्कर चल रहे हैं? ईद मुबारक आपको बहुत 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 आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ये मैं आपको ईद ही देना चाह रहा था लेकिन सिक्के मेरे पास है नहीं, अभी चले बाबू देंगे। वो तो आप मेरी बात सुनिए, आप बिजली का भी मुबारक। जी जी, आज कह रहे हैं आप सिक्के नहीं है, क्या ख्याल है? आज आप सिग्नल पे नहीं खड़े हुए, आपके पास सिक्के नहीं है। चलो लेट्स सी, हमारे पास बड़ी आज जबरदस्त गेम है जी। तो बेटा किस किस को गिफ्ट चाहिए? अरे ये तो सबको चाहिए है, मुझे भी चाहिए। लेकिन जो जीतेगा आपको बेटा जरूर मिलेगा, फिर मिलेगा, लेकिन जो जीतेगा उसको जरूर मिलेगा। और तो हमारे साथ हैं बड़े मजे की चूड़ियां। वाओ, क्योंकि देखिए मानू बेटा बात ये कि ईद तो होती बच्चों की है, ठीक है ना? तो हमारे पास मुख्तलिफ कलर की ईद चूड़ियां हैं, हमें चाहिए। वी नीड फोर गर्ल्स। ओके, वी नीड फोर गर्ल्स। आप आइए, एक तो क्राउन वाली आएंगी। आज आप आइए बेटा। आयोना आप आ जाओ। बड़ी बच्चियां, बड़ी बच्चियां चाहिए, आप आइए। यस आप जी बेटा। Oh, wow, so cute. Thank you, darling. Thank you. मेरे फेम फूल भी आ रहे हैं भाई। Thank you, बेटा. Thank you, बारी बारी. हमारे पास है चूड़ियाँ। देखें, जो ईद होती है, ईद पे चूड़ियाँ और सेवैयाँ, कोरमे और ये तो सब कुछ होता है और मेहंदी। तो आप में आप लोगों को कौन सा, किसको कौन सा कलर चाहिए? Okay. Purple. Purple कौन सा? ये आपका purple. आप पकड़े आप. आपको pink जी बेटा. आपको गोल्डन के साथ, ठीक है? Okay. ये तब होंगी आपकी जब जो बच्चा सबसे पहले, जो लोग घर पे प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी देखे और आप लोग सब देख रहे हैं, हम गिनेंगे तीन तक, आपको सबको मिलेगा एक मिनट। एक मिनट के अंदर जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा चूड़ियां पहनी होंगी उसको मिलेगा ये। अब मैं जब तीन तक गिनूंगा, हम इनको टाइम देते हैं, एक मिनट काफी है मेरे ख्याल से। वन मिनट विल बी इनफ। वन मिनट इनफ, ठीक है? वन मिनट आपका क्लॉक शुरू होगा बैकवर्ड्स और आपने इसको खोलना है, इसको पहनना है। जिसने ज्यादा पहनी वो होगा विनर और उसे मिलेगा गिफ्ट। यस, तो आपका टाइम शुरू होता है अभी। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश। आपको सिर्फ एक मिनट, जो ज्यादा पहनेगा उसको भी तोड़नी नहीं है, तोड़नी नहीं है, पहननी है बेटा, तोड़नी नहीं है, पहननी है। टेन, नाइन, एट, इन्होंने सबसे पहले पहनी है, उसके बाद इन्होंने, फिर इन्होंने। We got the winner. 20 सेकंड का रिकॉर्ड है, ओनली 20 सेकंड। आइए बेटा उठिए। आपकी एक बैंगल रहती थी, एक रहती थी, ये नीचे गिर गई थी, नीचे गिर गई थी। आपने बाद में पहनी है। जरा तालियां बजा के इनके लिए भाई। तो इनका हुआ गिफ्ट, फिर बाकी बच्चों की ये गिफ्ट है जो चूड़ियां इनके पास है, ठीक है जी? हम इनको मामा मियां, मामा मियां का गिफ्ट देंगे। ये ले, इधर आइए बेटा, इधर आइए। और आप भी इधर आए सब बच्चे, और हम एक साथ पहले हमने मिलके विश करना है केटू को भी। तो केटू को 12 साल हो गए ना, तो लेट्स क्लैप फॉर केटू जी। बिग हैंड, केटू है तो हमारी खुशियां है ना सारी बेटा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इनके साथ साथ हम इन्हें भी गिफ्ट देंगे। yes, हमारे पास मामा मिया के बहुत सारे गिफ्ट हैं। उधर फेस कीजिए बेटा, इट्स ओके, वहां बैठ के उतार ले। जरा तालियां बजा के प्लीज डू क्लैपिंग। ओके, ये दिस इज फॉर यू आयोना, ठीक है? आपके लिए बेटा, थैंक यू। ये आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। ओह थैंक यू।
ये आपकी चुड़ियां बेटा, ये आपकी हैं, अपने साथ लेके। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू, और जो बच्चे मुझे गिफ्ट देते हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे फ्लावर दिए गए। तो बेटा आप प्रोग्राम देखते, जो लोग घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं वो मजे मजे की आर्ट वर्क्स मुझे अभी याद आया। एक्जेक्टली, आई थिंक इट्स हैंडमेड। पता है इसकी वजह क्या है कि जब हमने शुरू शुरू में आज से 3 साल पहले जब अंकल हालपुर शो किया था शुरू, उस वक्त था हमारा बड़े जबरदस्त आर्ट क्लास होती थी। Exactly. तो ये वो बच्ची जिनको हमने सिखाया था फ्लावर्स, एंड शी मेड इट हरसेल्फ। तो बहुत सारी तालियां इनके लिए, बिग हैंड फॉर हर। क्या नाम बेटा आपका? ईमान। ईमान के लिए बहुत सारी तालियां। ईमान बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। जी तो बच्चों हमारे पास दो बड़े मजे मजे के बच्चे, मैं चाहता हूँ एक कंपटीशन उनका भी। ब्रदर्स? नहीं 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 बेटा, आप बेटा हाँ सिद्दीकी एंड ब्रदर्स, क्योंकि हमने लड़कियों की तो गेम करवा ली, तो अब हम चाह रहे हैं लड़कों की गेम करवाई जाए। तो आप दोनों बेटा आएंगे, जरा तालियां बजा के इन दोनों के लिए। और ये चेयर हमें चाहिए। यस यू गॉट द आइडिया। या आप इधर खड़े होंगे, आप इधर खड़े होंगे। और ये है आर्म रेसलिंग, पंजा अजमाई होगी, ठीक है? लेकिन रूल, अच्छा रुके रुके, रूल सुन ले। ये लॉक लगाते हैं ना, बस आपने लॉक लगने देना। लेकिन बेटा जो बच्चे घर पे बैठे हुए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज एंड गेम्स। ये हाथ आपका पीछे होगा बेटा, और आपका हाथ ये हाथ पीछे होगा, और ये नहीं उठानी, एल्बो नहीं उठानी ऊपर, थोड़ा दूर है। क्या आई होप कि हमारी कैमरा टीम हमें प्रॉपर कवर कर रही है, और बच्चे भी। रेडी? 3 2 1 गो। शाबाश शाबाश शाबाश, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। आजा, क्या बात है, ओ हमारा तालियां बजा। आजा आजा आप भी आजा, ऐसे नहीं, वन मोर एकदम आप, एकदम आप। ओके, एक तो आप जीत चुके हैं। असल में इनकी शर्ट्स भी एक जैसी, फेस समझ जाए कौन है। मैं मार्कर से निशान लगाता हूं। फर्स्ट गेम तो ये जीते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ थ्री जो ज्यादा जीतेगा। आप उमर अब्दुल्ला, उमर है, और आप अब्दुल्ला, ठीक है? एक जीते हैं उमर, ठीक है? रेडी सब लोग, हाथ पीछे, एक हाथ पीछे, एक उमर जीत गए। 1 2 3 गो। शाबाश 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 अब्दुल्ला, कम ऑन अब्दुल्ला, उमर यू कैन डू इट, उमर कम ऑन, उमर लॉक लगा लेता है, लॉक लगा लेता है, जा। ओए होए, अगेन वो चैलेंज है बाकी बच्चों से। ओनली वन, रेडी? 1 2 3 गो। शाबाश 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 शाबाश, इमर इमर जोर लगा के, अब्दुल्ला 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 कम ऑन, यस अब्दुल्ला, गो 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 अब्दुल्ला, शाबाश शाबाश, डन, वेरी गुड। वी हैव द विनर। यस, आपके लिए तालियां, रन अप के लिए आप ही। ओके, वी हैव गिफ्ट। उमर को कौन चैलेंज करेगा? लेकिन हम अब्दुल्ला को तो गिफ्ट ही देते हैं। ऑफ कोर्स देंगे, अब्दुल्ला को देंगे, देंगे अब्दुल्ला को गिफ्ट बनता है। आ जा बेटा, ये ले, ये वाला। अब है गेम का मजा, लास्ट में पता लगेगा कि उमर और अब्दुल्ला ने कोई गेम तो नहीं की हुई थी, कि तुमने हार लिया था तुमने जीत लिया। लेट्स सी, ठीक है बेटा? अब आपके पास भी है सिर्फ 30 सेकंड, एक हाथ पीछे होगा आपका, और इनमें जो जीतेगा वो शामिल भाई के साथ खेलेगा। नहीं, अच्छा, रेडी? एक मिनट रेडी रहेंगे, 3 तक गिनूंगा, जरा जानदार सी म्यूजिक देनी है। 3 बच्चे काउंट ऑन करेंगे। ये बच्चा कर गया यार, हो गया यार, कर गया यार, कर गया। आप 3 दफा उठाया है, मड़ा क्या करता है, जरा तालियां बच्चे के लिए, बिग हैंड फॉर द बॉय। कोई बात नहीं, लेकिन आप 3 दफा जीतेंगे, आपके बहुत सारे तालियां। हाँ। इन दोनों के लिए गिफ्ट बनता है जी, हम दोनों को गिफ्ट देंगे। दर्द तो नहीं हो रहा? क्या नाम है आपका बेटा? अयान। अयान, क्लैपिंग। थैंक यू बेटा, दिस इज फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों ने बेटा एंजॉय किया होगा, लेकिन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और जो भी ऐसी गेम्स करें जिसमें फिजिकल आपकी जो हो इन्वॉल्वमेंट, तो अपने पेरेंट्स के सामने खुद नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो दोस्तों अब हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, हम ऐसे गए और ऐसे आए।
back after a very short break. और अब हमें बात करनी है अपनी एक दोस्त से. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक हूँ. क्या नाम है आपका? हानिया. हानिया, ईद मुबारक. ईद मुबारक. अच्छा हानिया, क्या लेके आई हैं? हमें क्या सुनाएंगी? बर्गर. सुना दें. कुछ सुनाएंगी? सुनाएं. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up the water, what you are, like a diamond in the sky. Thank you. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनसे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. इतनी प्यारी ग्लासेस कहाँ से लाई हो? बाबा ने ला के दी थी. अच्छा, नाम क्या है आपका? अनाया. अनाया, इतनी प्यारी लग रही है. अनाया के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए. अनाया ने कहा है कि ये ग्लासेस प्रोग्राम के बाद अंकल हालपुर के हैं. आपने अपनी पहनी तो हुई है. अरे ये तो धूप की नहीं है, ये तो नजर की है ना. चलो हाँ, यही काम है लोगों से मांगते रहना. ईद वाले दिन तो छोड़ दो खुदा के. अब मेरी कोशिश है कि चाचा चकरी की जान भी मांग लूँ. अच्छा कोई गया मानूर जी, एक शेर अर्ज किया है. वाह, अरे शुक्र है भाई, शेर आया. कोई गया गाँव, कोई गया गाँव, कोई गया पार्क, पार्क मेरी तरफ से ईद मुबारक. ये कौन सा शेर है यार, कहाँ से कहाँ मिला दिया है आपको. मैं सारे मिलके अफसोस करे. कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. जी जी, हम बात कर रहे थे अनाया से. अनाया ये बताए ईद कैसी जा रही है? अच्छी. अच्छी जा रही है. क्या सुनाओगी? कुछ सुना दो. पोएम सुना दो. आलू कचालू कहाँ गए थे, बैगन टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, अम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे. थैंक यू सो मच. आपके लिए भी हमारे पास गिफ्ट है, हम आपको गिफ्ट देते हैं. हाँ भाई वाह. वी हैव योर गिफ्ट. जी मानूर बेटा, एक बच्चा जो हाफिज कुरान है, हम चाहेंगे उसको बुला के, लोग बच्चों को बुलाए, जरा जो सामने बैठा बच्चा उसको भी बुलाए, और ताकि हमारे और बच्चे जो उनको भी ये सबक मिले कि हमने कुरान हिफ्ज करना है. बस अपना नाम बता दे, क्लास बता दे प्लीज बेटा, उधर देख के बच्चों की तरफ. मोहम्मद मुस्तफा मैं. वाओ, इनके लिए भी गिफ्ट है भाई, तालियां. सुना दे, क्या सुनाएंगे? नहीं बस गिफ्ट दे देते बच्चों को, तो टाइम कम है. हाँ, हम आपको गिफ्ट देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. यस, ये लो. थैंक यू, यू वेलकम. जी तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब वक्त भी कम रह गया है और हमें आपसे इजाजत भी लेनी है, तो हम लेते हैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से उनका मैसेज. yes. तो हमारे पास है बिजली, आप हमें क्या देना चाहेंगी प्यारा सा मैसेज? मैसेज बस मैं यही कहना चाहूंगी मानूर कि मैं बहुत खुश हुई हूँ इस केटू पे अपनी ईद गुजार के, और सारे बच्चे भी यकीनन बहुत खुश होंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और बच्चे मजीद खुश हुए होंगे, उनको बहुत सारे गिफ्ट भी दिए केटू ने, इसलिए हम बहुत मशहूर है केटू के. थैंक यू सो मच. लेकिन रिक्वेस्ट ये है बिजली से कि भाई कराची में, सिंध में, पंजाब में आजकल रमजानों के बाद ईद में भी गायब है बिजली, जरा चक्कर लगाती रहो, सिर्फ आओ जाओ ना. मैं आपको बताती चलूं, बिजली जाती नहीं, बिजली आती जाती है. आती जाती है तो पॉजिटिव लेते हैं. हां, तालियां बिजली के लिए. आगे बढ़ते हैं और चाचा चक्री से लेते हैं आज का मैसेज. इनसे तो कुछ ना ही ले तो बेहतर है, ये बाद में मांगते ही रहते हैं. जी जी जी. नहीं 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 नहीं, आपको मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. केटू टीवी के तवसल से मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जो सफर में ईद की छुट्टियों पे गए होते हैं तो बसों में और गाड़ियों में बिल्कुल ओवरलोड होके आ रहे होते हैं, तो अपना प्लीज ख्याल रखना है. अपना प्यारे तरीके से आपने अपनी जिंदगी का ख्याल रखते हुए, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए, बिल्कुल ओवरलोडिंग नहीं करनी, छतों के ऊपर बैठ के नहीं आना, बिल्कुल एहतियात और आराम से आना है. और मौसम भी आपको पता है बहुत तब्दील हो चुका है, बच्चे पार्कों में इधर उधर जा रहे होंगे, तो प्लीज ईद का दिन है, इन पार्कों में आपने गंदगी नहीं फैलानी, जो चीज भी खानी है उसे बकायदा डस्टबिन में फेंक के आना. तालियां भाई चाचा चक्री. थैंक यू सो मच चाचा चक्री के लिए, तालियां. वाह भाई वाह, बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच अंकल हालपुर. क्या देना चाहेंगे आप भाई? मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है सब बच्चों के लिए, और खास तौर पे जो बच्चे यहाँ मौजूद है और जो घर बैठे केटू का बड़ा प्यारा प्रोग्राम देख रहे हैं. मैं चाहूंगा कि ईद मनाए अपनों के साथ, और जो हमारे इर्द गिर्द बच्चे जो ईद नहीं मना सकते, SOS विलेज जिस तरह है या स्वीट होम है जहाँ यतीम बच्चे हैं, हमें चाहिए हम अपना ईद का दिन उनके साथ प्यार मोहब्बत तोहफे तहफ देके गुजारें. थैंक यू सो मच अंकल हालपुर.
और आई होप दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का हमारा प्रोग्राम, और ईद का तीसरा दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा हमारी तरह। हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी उनको अगर कोई ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत पूरी करें। आप अपने घर में बहुत कुछ मनाते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों को ईदियाँ देते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो लोग जिनके पास कुछ खाने को नहीं या जिनको कोई ईदी देने वाला नहीं है, अगर आप उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला शायद आपसे ज़्यादा खुश हों और आपके ज़्यादा चकरी को ज़रूर मदद करें उनकी। मेरे बारे में कह सारे रहे हैं, दे कोई भी नहीं रहा, खुदा की कसम आनियर कोई भी तो दे दे, चलो मैं सुरखुरु तो हो जाऊं भाई। जी दोस्तों, अब हमारे वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। अरे मानुर, ना 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 मानुर बेटा, आज कुछ सुना सुनाएंगे नहीं, कोई मीठी मीठी, इतनी मीठी ईद है, कोई मीठा सा गाना ही सुना दो बेटा, कोई प्यारा सा कलाम ही सुना दो। जे एथों कदी रावे लंघ जावे, हयाती पंजाबे बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पहाड़ी च सार छोड़ लां। जे एथों कदी रावे लंघ जावे, हयाती पंजाबे बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पहाड़ी च सार छोड़ लां। जे एथों कदी रावे तो कदी रावी।